उनके टाइम अप्रैल के महीने में 50,000 इनके टाइम पे एक ही है, एक बहुत बड़ी राहत है हॉस्पिटल उनके टाइम पे। जैसे अभी मैंने अपनी बात को रखी और गए महीने 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट राजस्थान में आया और राजस्थान में बजट आने के बाद देश के अन्य राज्यों के अंदर भी ये बात पहुंची। और फॉर एग्जांपल ओपीएस लंबे समय से देश का कर्मचारी इसकी मांग कर रहा था और ओपीएस एक तरह से पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है। हालांकि भारत सरकार इसके लिए मना कर रही है लेकिन इसके बाद भी हमारी सरकार पूरी तरह से और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से लगे हुए हैं कि ओपीएस को हम लागू करके रहेंगे। राजस्थान का 6 लाख कर्मचारी है, वो 6 लाख कर्मचारी कम से कम हमसे खुश तो रहेगा ही। बिजली के लिए मैंने निवेदन किया कि बिजली के तार में करंट नहीं आ रहा था, बिल में करंट आ रहा था। अब ऐसी स्थिति बन गई कि वो तार का करंट भी आने लग गया और बिल तो बिल्कुल गायब हो गया। आज कम बात नहीं है, इसको हम छोटी बात नहीं कह सकते हैं, 100 यूनिट बिजली। और किसान को खेतिहर है जिसके 15 HP की मोटर है, इसके अंदर भी 2,000 यूनिट की बिजली फ्री कर दी गई। पेंशन 500 से 1,000 हो गई, 750 से 1,000 हो गई। कितने नए स्कूल खुल गए, कितने महाविद्यालय खुल गए, कितने राजस्व गांवों का निर्माण हो गया, कई सारे हॉस्पिटल CSC PSC हो गई। ये निश्चित रूप से अब जमाना बदल गया है। अब अनपढ़ व्यक्ति भी हाथ में मोबाइल रखता है और पढ़ के कहता है कि आज विधानसभा में क्या हुआ, या घर बैठे बैठे मोबाइल के अंदर देखता है कि आज विधानसभा में क्या बात के ऊपर बहस हो रही है। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है वो एक तरह से बहुत तीव्र गति से संपूर्ण राजस्थान के कोने कोने में इस लोक कल्याणकारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं की जानकारी आम आदमी को हो चुकी है। वातावरण बदल चुका है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रैली निकाली पूरे राजस्थान में। न तो उनके साथ कोई जन था, न कोई आक्रोश था, जनता कांग्रेस के साथ थी। आज भारतीय जनता पार्टी की वही तो हमको फायदा हो रहा है भाई। दिखती हुई बात है, वसुंधरा जी 2 बार की मुख्यमंत्री हैं और इनका जन्मदिन है। जन्मदिन आज मैं कांग्रेस का हूं और वसुंधरा जी का आज जन्मदिन है, तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं वसुंधरा जी को टेलीफोन करके उनको मुबारक दूं। पार्टी जाति धर्म जन्मदिन के ऊपर, होली के दिन मुसलमान भाई हिंदुओं को राम राम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और मुसलमानों को हिंदू करता है, तो आज उनको इस तरह का प्रदर्शन आज सेम डे नहीं करना चाहिए था। उनको मैडम का जन्मदिन मना देना था और वो दूसरे दिन करते हैं। तो लड़ाई तो पूरे राजस्थान में, पूरे देश में उजागर हो चुकी है इनकी। अभी हमारा नेता प्रतिपक्ष महामहिम कटारिया साहब असम के गवर्नर बन गए और विधानसभा चल रही है, तो विधानसभा चल रही है तो उनको नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता है, तो उनको तुरंत नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, लेकिन वो नहीं बना पा रहे हैं, आपस में इनकी लड़ाई है। कांग्रेस की बात करें तो किस तरह से कांग्रेस निवेदन कर दो, पहले पेंशन का फार्म भरना पड़ता था, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना पड़ता था, तब जाके पेंशन मिलती थी। अब ऑनलाइन कर दिया, अब ऑनलाइन कर दिया तो आदमी जीवित है उसका प्रमाण पत्र भी मोबाइल बता रहा है और उसको पेंशन मिल रही है। और कई कई छोटी छोटी स्कीमें जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी, जब लागू हो जाएगी गैस सिलेंडर, जहां भारत सरकार 1150-1150 में दे अभी और अभी रेट बढ़ा दी और हम 500 रुपये में देंगे, हर घर में चूल्हा जलेगा तो पता नहीं पड़ेगा क्या, जिसको 500 रुपया मिल रहा था उसको 1,000 रुपया मिलेगा, पता पड़ जाएगा। कई गांव में, कई गांव ऐसे होंगे जिसमें बिजली का एक बिल भी नहीं आएगा, 0 बिल आएगा पूरे गांव का, तो पता पड़ेगा, तो वातावरण तो बनेगा ही बनेगा। आपकी बात करें मुख्यमंत्री की का आदमी हूँ और वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, पिछले 20-25 साल से उनके साथ जुड़ा हूँ, आज मुझे उन्होंने सीएम ने ही मुझे बनाया है, WRD जैसा विभाग है, हम डट के काम कर रहे हैं, हमको उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। आपके पास में
मेरा भाई है तो काय के नाराज होंगे नहीं क्यों नाराज होंगे मुझे बता। इनको भी मुख्यमंत्री चाहिए, मेरे को भी मुख्यमंत्री चाहिए। ये आज मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हमारा तो हम तो यही कि भाई जब हम सरकार में एक एक बात है, अगर हम कहेंगे साहब पेंशन किसने दी था अशोक गहलोत, यही तो हम कहेंगे। गैस सिलेंडर के रेट किसने कम था अशोक गहलोत, यही तो कहेंगे। और कल एक बात है कि अगर पेंशन के नाम से वोट मिलता है तो हमको गांव में जाके कहना पड़ेगा अशोक गहलोत ने पेंशन दी है, इसलिए वोट तो आपको कांग्रेस को देना पड़ेगा। सर कांग्रेस की जनता तो ये भी आदमी का योगदान है भाई, हमने इनके लिए मना कब किया? हमारे वो भी नेता है, सबका योगदान की जरूरत है। लेकिन वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। इस ये जब होगा तब हम बात करेंगे।